हम ट्रांसफार्मर लेंगे और ट्रांसफार्मर से ब्रिज रेक्टिफायर द्वारा हम डीसी सप्लाई अप कर लेते हैं। और डीसी सप्लाई जो होता है, जो एलईडी होते हैं बल्ब, वो डीसी सप्लाई से चलते हैं। तो मेरे पास एक एलईडी बल्ब है, इसमें बहुत सारे एलईडी लैंप लगे हुए हैं और इनको मैं राउंड में लगा रखा है और ये सभी बल्ब जो होते हैं सीरीज में कनेक्शन किए रहते हैं, इसलिए मैंने लिख लिया सीरीज एलईडी बल्ब सर्किट कनेक्शन। इनमें ये जो बताया है कि आपका एलईडी जो होता है सीरीज में जुड़े होते हैं। और यदि आपके एलईडी बल्ब नहीं जल रहा तो इसको हम चेक करेंगे कि कैसे इसमें क्या फॉल्ट है और इसे चेक करके बताएंगे कि आप इसे कैसे जलाएंगे। जब बल्ब नहीं जल रहा होता तो उसमें हम एक एक लैंप के पास हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट को ऐसे एक कनेक्टिंग वायर से हम इसे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये बल्ब डीम हो जाएगा, नहीं जलेगा, और जिस बल्ब पे ये सभी बल्ब तेज जलेंगे हम एक एक करके इसे बाईपास कर लेंगे। ऐसे एक एक करके बाईपास करके हम चेक करेंगे और जिस भी हमारा लाइट जो तेज जलेगा उसको हम क्या कर देंगे, बल्ब को बाईपास करके हम यहाँ पे अपना चेक कर लेंगे और उसे बाईपास करके कर देंगे जिससे बल्ब हमारा जलेगा। इन प्रत्येक में हम क्या करेंगे, बाईपास करके चेक करेंगे, जिस पे बल्ब सभी जलेंगे वही हमारा बल्ब खराब होगा और उसको हम बाईपास करके अपने बल्ब को बना लेंगे और चेक करके इसे बताएंगे आपको। ये सर्किट है और इसको हम प्रैक्टिकली आपको चल के दिखाते हैं। बोर्ड के होल्डर में लगा रखे हैं इसको, ये पैरेलल में है यहाँ पे, और हम इसको एक एक लैंप को चेक कर रहे हैं कि ये बल्ब हमारा जो है किस में फॉल्ट है। तो हम एक एक बल्ब चेक करेंगे, जिस पे ये लाइट अच्छी तरह से दिखेगी वही मेरा बल्ब खराब हो। ये वाली मेरी बल्ब जो है खराब है और इस बल्ब को केवल हम बाईपास कर देंगे तो मेरा ये लैंप बल्ब जो है सही हो जाएगा और पूरी रोशनी में मिलेगी। आप इसको चेक देख सकते हैं। तो मैं एक बारीक सा वायर ले रखा हूँ, ये किसी भी आप तार में से एक निकाल सकते हैं और निकाल कर इसे देखिए, आपके पास ये तार है मेरे साथ, इसको लेकर हम बाईपास करेंगे सोल्डरिंग से। तो इसको क्या करते हैं, मेरे पास सोल्डरिंग आयरन है यहाँ पे, ये सोल्डरिंग आयरन से इसको हम सोल्डरिंग कर देते हैं। ये मेरा सोल्डरिंग आयरन है, ये वायर है और मेरे पास ये सोल्डरिंग वायर है और प्लग्स भी है। रुक रखे हैं कहाँ गया, मैं थोड़ा सा रंगा को गला लेता हूँ जिसको सोल्डरिंग आयरन को सोल्डरिंग वायर गला लेता हूँ और जिससे इसे हम इस करते हैं इसको बाईपास करेंगे सोल्डरिंग। इस बल्ब को हमने सोल्डिंग कर दिया है, आप देख लीजिए यहाँ पे एक बाईपास तार से किए हैं, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, और बारीक तार से इसे किए हैं और इसको हम चेक करते हैं कि ये मेरा जो बल्ब है। और सोल्डिंग करते वक्त ये ध्यान रखेंगे कि सप्लाई ऑन वाले पे नहीं रखेंगे, कहीं पे इसे रख कर सोल्डिंग करेंगे अलग में। जैसे मैंने इस होल्डर पर रखा हुआ था और इसे सोल्डिंग किया और मैं इसको यहाँ पर लगाता हूँ अपने होल्डर में और इसको चेक करता हूँ कि ये सही हुआ कि नहीं। ये मेरा बल्ब जो है अब जल रहा है बिल्कुल रोशनी के साथ, और इस तरह से आप इसे चेक कर सकते हैं और बना सकते हैं अपना जो बल्ब है आपका। इसके कवर ये ऊपर के होते हैं तो इसे इस पर बैठा देंगे हम आराम से, ये हो चुका है ऐसे, इसे थोड़ा सा टाइट कर देंगे। या फिर आप खोलते वक्त इसे क्या करेंगे, एक जब भी किसी बल्ब को खोलना होगा तो आप इसके स्क्रू फेस टेस्टर या स्क्रू ड्राइवर से इसे ये बल्ब के इस साइड में एक दबाकर ऐसे पुश करेंगे तो ये बल्ब आसानी से खुल जाता है और इसे फिर आप पैक कर सकते हैं इसे। ये यदि बल्ब ऐसे आप खोल रखे हैं तो इसे आप ऐसे बैठा सकते हैं
और यदि ये बल्ब को खोलना है फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले में आपको तो क्या करेंगे, फेस टेस्टर या स्क्रू ड्राइवर से इस बल्ब के ऊपर साइड पे ये से दबाएंगे इसे, और दबाने पर जैसे ही ये स्क्रू ड्राइवर अंदर जाएगा थोड़ा सा पीछे पुश करेंगे तो ये बल्ब हमारा बाहर हो जाएगा, और फिर इसे हम बैठा लेंगे। और ये मेरा बल्ब बन चुका है और इसको आप चलाते रहेंगे, ये आप पूरे